शायरी के मूड में है? शायरी का नहीं, प्यार का मूड है। मुझे लगता है अब हमें घर चलना चाहिए। नहीं बरखा, आखिर हमारी शादी होने वाली है। तो क्या शादी तक इंतजार नहीं कर सकते? क्या बरखा, अपनी चीज का भी इंतजार। मर्द और औरत को आखिर चीज ही क्यों समझते हैं? आखिर वह उसकी जीवन साथी है, पहले उसे समझना चाहिए। अच्छा बाबा, ठीक है चलो। अब देखना कैसे धक्का मारते हुए जाते हैं अम्मा। अगर गुरु उन्हें पता चल गया तो? चुप मर ले, देखिए आ लिए। बस गुरु, धरी रहेगी मिसाइल। मर गए। नमस्ते। क्यों यार नेताजी, गाड़ी खराब होगी के? कोई बात ना, हम ठीक करवा देंगे। चलो रे नेताजी, गाड़ी में पिंचर लाओ लगवा के। तुम आ जाओ, हमारा घेर है नजदीक से, इतने दूध दात पियो। वो तो ठीक है, लेकिन दोनों टायरों में एक साथ पंचर कैसे हुआ? पिंचर? पिंचर तो ये रास्ते ही खराब है, पर तुम इंगे को कैसे आ गए? बाईपास पे जाम लग रहा है। मेरा ड्राइवर कहने लगा कि इधर से निकाल लेता हूँ। Out!
साला ठीक रह ले, तेरे सिर में बल्ला मार दूंगा। तू मार देगा और हम भी कुछ मार सके, हम भी मार देंगे। चलो फूफा जी, इससे कोई आउट नहीं है। छोरी आई है।
पक्के करण आई है यहाँ, जिनके आई है उनके रहवे। इसकी गलती ना होते अभी तेरे तो माफी मांगने आई है, पर तू इसमें भी इसकी कोई चाल होगी। हाँ तुझे तो सब अपने जैसे दिखाई दे, घर पाए मेहमान से कैसे बात करी जाए बिना पता। आप रहने दीजिए अंकल, इनका गुस्सा जायज है, आप इन्हें कुछ ना कहे। उसे तेरी चोट का कितना दुख है, उसे सारी रात नींद नहीं आई और तू अपनी धुन में। बताओ, क्या किसी इंसान को बदला जा सकता है? हाँ क्यों नहीं, अगर बदलने वाला आप जैसा हो। प्लीज दिलीप मजाक मत करो, मैं सीरियसली पूछ रही हूँ। तो क्या मैंने जवाब सीरियसली नहीं दिया है? मैं तुमसे पूछती ही नहीं। अच्छा गीता तुम बताओ। भाई मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तुम दोनों गया
चाय भी अपने जैसी बनाई है, गर्मा गर्म। ले भाई बीड़ी पी ले। काड़ू भाई बीड़ी पी ले। काड़ू कहाँ है? बीड़ी पी ले, ले। छोड़ यार, मेरा मन ना है। छोड़ दो। अरे अकेला तो अपना छोड़ दे, बात में जरूर कुछ गड़बड़ है। गड़बड़ नहीं, मुझे तो पूरा गड़बड़ा लग रहा। गड़बड़ा के हो? ओ याहू 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 के जुगाड़ हो? याहू याहू घंटी है जो चुप चुप बजती है। नहीं, याहू याहू घंटी से जो चुप चुप बजती से। समझ गया, घंटी है जो चुप चुप बज रही है। याओ याओ घंटी है जो चुप चुप बजती है। याओ याओ घंटी है जो चुप चुप बज रही है। याओ याओ घंटी है। तेरी उम्र लगा हुआ भगवान। अंकल कहीं जा रहे हो क्या? हाँ बेटी, मुझे कुछ काम है, मैं बाजार जा रहा हूँ। अंकल दो मिनट रुको, मैं आपको बढ़िया सी चाय बना के पिलाती हूँ। ना बेटी, मुझे देर हो जाएगी, वापस आके भी घर के काम देखने, तो कुछ करे नहीं। क्या अंकल, कमल अभी उठा नहीं है? मुसीबत तो जितनी देर सोती रहे ना उतनी ठीक है। क्या अंकल आप भी? बारिश नहीं, ये बरखा है। पानी की छींटे मैंने मारी थी। मेरे ऊपर पानी क्यों गिरा? मैं झाड़ू लगा रही थी तो धूल उड़ रही थी। कमल को धूल से बचाने के लिए बरखा की।
से, मुझे उनसे बात करना बहुत अच्छा लगता है, उनके साथ काम में हाथ बटाना भी बहुत अच्छा लगता है। तू ये भी जानती होगी उनके घर में का वाला लड़का भी है। बुआ जी, कमल अब आवारा नहीं है, वो सुधर चुका है। हमें इस बात से कोई मतलब नहीं है, समझी ना। अब बुआ जी जो कह रही है ना, बिल्कुल ठीक कह रही है। अब हमें यहाँ रहते हुए बहुत दिन हो गए, चलो अब चलने की तैयारी करो। ठीक है, और कुछ? अब कहाँ जा रही हो? देखा बुआ जी, वापिस चली जाओगी? मुझे आज नहीं तो कल शहर वापस तो जाना ही है। ऐसा नहीं हो सकता, अगर बरखा ही नहीं होगी तो कमल भी नहीं होगा। नहीं, ऐसा मत कहो कमल, आखिर कब तक मैं यहाँ रह सकती हूँ? जब तक कमल है। नहीं, ये नहीं हो सकता। पत्थर में अगर फूल खिल सकता है तो ये भी हो सकता है। मुझे नया जीवन देने वाली तुम हो। बाहर क्या होती है, भवरे क्यों गाते हैं, खुशबू क्यों बिखरती है, सूरज क्यों निकलता है, चांद रात भर आकाश में क्यों चक्कर लगाता है, मुझे किसने बताया? Oh,
सीता सास बालक बाहर को गए हैं। हाँ हाँ बाहर गए हैं। घर में कोई ना है? जब सारे बालक बाहर गए हैं तो घर में कौन होगा? हाँ हाँ घर में कौन होगा, हम अकेले हैं ना घर में। जब यहाँ कोई नहीं है तो हम ही है। मैं कहूँ बोल फिर। के बोलूं बताओ। नहीं समझी, मैं कहूँ इतने बालक कहाँ है, इतने आराम कर ले। क्यों मैं बालकों के सामने आराम नहीं कर सकती? फिर नहीं समझी, तू बैठ तो सही, मैं तुझे समझाऊंगा। मजा कुछ ना समझना, तब आई ना करो मेरे घर। मैं छोटू सुन तो सही। हाँ क्या बात है? मैं कहूँ बैठ तो सही, अभी भी तो बताऊंगा क्या बात है, बताऊंगे। मुझे ना भूलनी बात बात, मुझे काम करने दो। मैं कहूँ गृहस्थी में बतलावना भी जरूरी हो। अपनी उम्र भी देखा करो। बताओ लो या यू ना उम्र ही देख रही। आज वह मुझे बिल्कुल नहीं पहचान सकती, खूब डराऊंगा उसे। चली आ गया कुछ ना है, वो तो दोनों बच्चे आपस में प्यार करते हैं। प्यार? प्यार कोई खेल से? मैं तुम्हारे भतीजे की पुलिस में रिपोर्ट कर दूंगी। है? रिपोर्ट? देखिए मौसी जी, मैं आपकी मौसी नहीं हूँ, बरखा की मौसी हूँ। आप जो भी हैं आराम से बात करें, कोई सुन लेगा हमारी आपकी बदनामी हो जाएगी। ठीक से बताओ के कहो सो। देखिए जब दोनों बच्चे खुश हैं तो हमें उनका ब्याह कर देना चाहिए। ठीक से हम ब्याह कर देंगे, लेकिन मारी को शर्त से थारा भतीजा मानता हो तो ठीक है। अच्छा ये तो बरखा है। अगर नहीं मानता तो हम हर की शादी नहीं कर सकते। मेरा भतीजा कोई शर्त वर्त नहीं मान सकता। क्यों उसे शादी ना करनी? अरे तुम्हारी नकचड़ी भतीजी से भला हमारा भतीजा शादी करेगा? अच्छा वो नकचड़ी है? हाँ वो भेंगी भी है। मैं भेंगी भी हूँ? तुम नहीं, वो तो कल्लो भी है। मैं कल्लो भी? तुम नहीं, वो उसकी नाक भी बहती है। मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। बोलो सुन तो सही, रुक तो सही। अब बोलो मैं भेंगी हूँ? पर तने लगते किसके पैर रखे हैं? वो तो मैं देख रही थी, अगर मेरी शादी गांव में किसी बेवकूफ से हुई तो मुझे कपड़े पहनने पड़ेंगे। गांव में शादी हो तो और भी बहुत कुछ करना पड़े। वो क्या बताऊं? मुझे नहीं पता।
पूछता हूँ या क्यों रो रही है? मैंने कहा ना तुम्हें से कोई मतलब नहीं, और तू होता कौन हमारे बीच में बोलने वाला? चल अपने काम कर। मुझे मतलब है, तू ऐसे नहीं मारेगा। ये तेरी इंजीनियरिंग का मामला नहीं है और ना ही ये क्रिकेट का मैदान है। तलाशी, किसी को दौरे बिना अभी पता चल जाएगा।
ये ट्रैक्टर किसका है? ट्रैक्टर तो हमारा ही है, पता तो चले बात की है। चाचा कद चाय पानी का इंतजाम यही करवा रखे हो, एक ठंडा यही हो जाए तो की अर्ज है? तुम्हें ठंडे की नहीं डंडे की जरूरत है। अरे भाई दरोगा जी, हमें देर होने लग रही है, हमें जान दे। चलो ये ट्रैक्टर पहले थाने ले चलो। देखिए दरोगा जी, अगर हम टाइम पे ना पहुँचे तो बड़ी गड़बड़ हो जाएगी, हमारा शादी में पहुँचना ज्यादा जरूरी है। अजीत तुम्हें जो लेना देना हो यही कर लो, वहाँ चाय नाश्ता ठंडा हो जाएगा। ठंडा जब होने दूंगा तब ना। चलो दरोगा जी कह रहे हैं तो पहले थाने में चलो, मुझे मैं छोड़ दूँ। लड़के पहले ट्रैक्टर सीधा थाने लेकर। चढ़ी